Hello friend, today I would like to talk about the another most famous story in Canterbury Tale, that is The Nun's Tale. ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है कि विधवा आर्स से, जो अपनी दोनों बेटियों के साथ एक झोंपड़ी में रहती है और उसके पास एक मुर्गा होता है जिसका नाम चैंटेक्लियर होता है और भी बहुत सी मुर्गियाँ हैं और जो चैंटेक्लियर है वो अपनी सेवन वाइफ्स के साथ रहता है, बट उन सब में से जो मोस्ट फेमस है उसका नाम है डेम्पर्ट लॉट। तो क्या होता है कि एक सुबह चैंटेक्लियर बुरा सपना देखता है तो पर्टलॉट उससे पूछती है कि क्या बात है, वो इतना दुखी क्यों है। तो जो चैंटेक्लियर होता है वो रिप्लाई करता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। तो इस बात पर पर्टलॉट से आर्ग्यू करती है कि ड्रीम्स आर अ मीनिंगलेस, सो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ द ड्रीम, इट इज़ कॉज्ड बाय इल्यूमर्स। सो द चैंटेक्लियर जो होता है वो इस बात पर नाराज हो जाता है उससे और वो कुछ उदाहरण देता है। एंड वन डे अ फॉक्स एंटर्ड इन द यार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक दिन जो चैंटेक्लियर होता है वो यार्ड में अकेला होता है और वहाँ पर एक फॉक्स आ जाता है। सो नोबडी इन द यार्ड, वहाँ पर कोई नहीं होता। सो जो फॉक्स होता है वो जो उस चैंटेक्लियर होता है उसकी तारीफ़ करता है कि वो जो उसके फादर हैं उनकी वॉइस होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो ही कैन बी अ सिंग लाइक हिज फादर, क्या वो अपने पिता की तरह ही गा सकता है। सो जो चैंटेक्लियर नाम का मुर्गा होता है वो अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होता है और ही बिगिन टू सिंग। जैसे ही वो गाना शुरू करता है वो अपनी जो आइज होती हैं उसे क्लोज कर लेता है और जब वो अपनी आइज क्लोज कर लेता है तो जो फॉक्स होता है वो उसे उस मुर्गे को पकड़ लेता है उसकी गर्दन से और जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। और जब वो भाग जाता है तो जो औरत होती है और उसकी दोनों बेटियां होती हैं उन्हें जब उनकी मुर्गे की चीखें सुनती हैं तो वो भी उसके पीछे पीछे भागती हैं। एंड जो चैंटेक्लियर होता है तो वो रास्ते में मैनेज करता है कि वो कुछ बोल सके उस फॉक्स से। तो वो जब उसे मौका मिलता है बोलने का तो वो फॉक्स से कहता है कि वो अपनी अचीवमेंट के बारे में उसे कुछ बताए। जो फॉक्स होता है वो भी अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है। तो जैसे ही वो बोलने के लिए अपना मुँह खोलता है, फॉक्स बोलने के लिए मुँह खोलता है तो जो चैंटेक्लियर होता है वो उसके मुँह से बच निकलता है और एक ऊंचे दरख्त पर बैठ जाता है वहाँ पर जाकर। तो जो फॉक्स होता है वो अब पछताता है कि वो क्यों बोला, तो वो और जो वो फॉक्स होता है वो ट्राइड टू परस्यूड हिम, जो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं, उसका मतलब नहीं था। तो जो मुर्गा होता है वो बहुत ही चालाक था, सो ही रिप्लाई ही डिड नॉट बिलीव ऑन द फॉक्स, वो कहता है कि वो अब उस पर विश्वास नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। सो इसका मॉरल क्या है कि नेवर ट्रस्ट ऑन फ्लैटर्स, कभी भी चापलूसों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ। सो फ्रेंड, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द नन्स टेल। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। We meet in the next story. Tab tak ke liye, best of luck. Thank you, friends.